हाँ भाई, फाइनल ईयर। जरा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हमारे पास दोनों ही व्यूज हैं देखने के लिए, हर्डमानिया है ना। एक है आपका लेफ्ट व्यू एंड दिस इज अ राइट व्यू ऑफ हर्डमानिया। इसमें आप करते क्या हैं, इसमें दो आपको अपर्चर देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट इज ब्रैंकियल ओपनिंग, यानी कि ब्रैंकियल अपर्चर, एंड सेकेंड इज एट्रियल अपर्चर। जो अंदर की तरफ कहाँ जाके मिलते हैं, ये मिलते हैं साइफन में। जैसे ब्रैंकियल अपर्चर कहाँ मिलेगा, ब्रैंकियल साइफन में। एट्रियल ओपनिंग कहाँ मिलती है, एट्रियल साइफन में। ठीक है, अब ब्रैंकियल ओपनिंग के नीचे एक बहुत बड़ा सैक प्रेजेंट होता है, जो इसके बॉडी में सबसे ज्यादा स्पेस कवर करता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल सैक। ठीक है, इस ब्रैंकियल सैक से ही होता हुआ आगे जो फूड है वो आगे रन करेगा। लेकिन इसमें और क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है, इसमें इंटेस्टाइन प्रेजेंट रहेंगी। ये इंटेस्टाइन कभी भी किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी, लूप के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इसमें जो स्टमक होता है वो कुछ ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में। जैसे हम लोग जब भी हमारा बनाते हैं, हम कैसे बनाते हैं अपना, कुछ इस टाइप से बनाते हैं ना। इनमें जो, अगर हम हर्डमानिया में बात करें तो उनमें स्टमक इस शेप में नहीं होता, उसमें होगा डायरेक्ट कुछ एक ट्यूबुलर शेप में बस। ठीक है, जो इसमें क्या कहते हैं स्टमक प्रेजेंट होता है वो हमेशा ट्यूबुलर शेप में प्रेजेंट होगा। बकायदा इसका डायग्राम भी बनाया जाएगा स्पेशल। यहाँ आप जितने भी वो देख रहे हैं लेबलिंग, इन सब के पर्टिकुलर अलग अलग स्टडी करनी है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टमक है, इसी के पास में क्या प्रेजेंट रहता है, लिवर। लिवर का भी यहाँ पे कौन सा लोब दिखाई देता है भाई, लिवर के दो लोब होते हैं ना, लिवर के हमेशा दो लोब होंगे, ये बता देती हूँ। ठीक है, उसमें से ये यहाँ पर लेफ्ट लोब दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके उसमें क्या है, और भाई लेफ्ट में ईसोफेगस और सबसे लास्ट में रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ठीक है, ये सारे पार्ट्स दिखते हैं आपको इनके। जो लेफ्ट रीजन होता है उसमें, अगर मैं इसके लेफ्ट रीजन को थोड़ा टर्न करती हूँ तो मुझे मिलता है इनका राइट रीजन। राइट रीजन में हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल देन लिवर। ठीक है, द होल लिवर वी कैन सी हियर, एंड सेकेंड इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो किससे अटैच रहता है, आपके लिवर के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, मतलब इसी के आसपास यहाँ बहुत ज्यादा ये सिचुएटेड रहता है, और साथ में यहाँ सिचुएट क्या रहता है, राइट गोनेड। मतलब जो आपका जो राइट गोनेड, जो इसको हम दाया गोनेड बोलते हैं, ठीक है, राइट गोनेड प्रेजेंट रहेगा। और साथ में ये सब तो है ही, ब्रैंकियल ओपनिंग, ब्रैंकियल साइफन। ठीक है, इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ये मसल्स ट्रांसवर्स भी होती हैं एंड आपके हॉरिजॉन्टल वे में भी होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें ये मसल्स का मसल्स बैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं ये। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ ये। फाइनल ईयर आप लोगों को ये दोनों ही डायग्राम क्लियर हो गए? यस मैम, गुड। अब हम बात करते हैं अपने एट्रियम के बारे में। Thank you.
हाँ भाई, क्लास जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो डायग्राम है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एट्रियम। क्या है ये? दैट इज एट्रियम। एट्रियम की अगर हम लोग बात करते हैं क्लास, तो ये एट्रियम जो है, अंदर भी टूट गई है, कोई मतलब नहीं रहा फिर तो, इसको कल यूज करते हैं। हाँ भाई, अगर हम लोग बात करें एट्रियम के बारे में, हम बात कर रहे थे, ठीक है, अगर हम एट्रियम की हम बात करें, तो इसमें एट्रियल अपर्चर, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, एट्रियल अपर्चर देखा था। तो एट्रियल अपर्चर अंदर की तरफ किस पे खुलता है? एट्रियल साइफन में खुलता है। ये एट्रियल साइफन, इसके अंदर की तरफ यहाँ क्लोएका प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोएका। ये क्लोएका वो रीजन होता है जिसमें गोनोडक्ट एंड रेक्टम दोनों ही आकर खुलते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा एक बार फिर से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एट्रियम के बारे में क्लास। ठीक है, एट्रियम में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले एट्रियल अपर्चर बनाया था, है ना। तो ये एट्रियल अपर्चर मतलब, ये एट्रियल अपर्चर किसमें खुलता था? नीचे की तरफ। ये खुलता था एट्रियल साइफन में। एट्रियल साइफन के नीचे प्रेजेंट रहता है क्लोएका। इस ये क्लोएका जिसमें क्या चीज आकर खुलती है? गोनोडक्ट एंड रेक्टम, ये दोनों ही चीजें आकर कहाँ खुलती हैं? आपके इस क्लोएका में खुलती हैं। और साथ में बाकी का जो ये रीजन होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट रहता है आपका ब्रैंकियल ब्रैंकियल सैक में प्रेजेंट रहता है ये।
ठीक है, किसमें प्रेजेंट रहता है ये ब्रैंकियल सैक, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ब्रैंकियल सैक वो होता है जो इस हर्ड मानिया का सबसे बड़ा सैक होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्रैंकियल सैक के नाम से जानते हैं। और इस रीजन को जिसमें ये किसको घेरता है भाई, किसको कवर करके रखता है, ये ब्रैंकियल सैक को, है ना, तो उस रीजन को हम बोलते हैं पेरी ब्रैंकियल कैविटी। यहाँ पर ये मैंने इसलिए बताया है क्लास, इसमें बताने के लायक इतना था नहीं, लेकिन आपको बताया इसलिए क्योंकि ये इसका डायग्राम आता है, डायग्राम एट्रियम का डायग्राम बनाने आ जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन एट्रियम का डायग्राम बनाने आ जाता है कभी कभी। तो आपको ये डायग्राम है तो सारी पूरी लेबलिंग नहीं की अभी, बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप लोग जब आपके पास नोट्स वगैरह आ जाते हैं सॉरी, तब आप एग्जाम टाइम में एट्रियम का डायग्राम ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके, यहाँ ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स वगैरह जो होती हैं इसमें नीचे की तरफ एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट रहती है, ये कहाँ हेल्प करेगी, ये एंडोस्टाइल हेल्प करती है हमारी डाइजेशन के टाइम पर। डाइजेशन का टॉपिक शायद हम लोग नेक्स्ट उसमें स्टार्ट कर सकते हैं मंडे में। ठीक है, तो एंडोस्टाइल हमारी वहाँ हेल्प करेगी। अब यहाँ पर देखिए हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट रहती है, कवर कवरिंग जो हम बोलते हैं, कवरिंग ऑफ हार्ट, उसे क्या है, दैट इज अ पेरिकार्डियम। कार्डियम मीन क्या होता है, द मीनिंग ऑफ कार्डियम इज नोन एज अ हार्ट, तो हार्ट को कवर करने वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसमें ओवरी भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स और फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स जो है क्लास देखिए, अभी तो यहाँ पे पूरा लेबलिंग की गई है, जो इसमें इस पूरी लेबलिंग में आपका डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों ही कवर हो जाएंगे, लेकिन अभी हम पहले हम बात कर रहे हैं आपके, इसके बाद में जो बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव की बात करेंगे, है ना, तो उससे रिलेटेड लेबलिंग ज़्यादा की है, जैसे कि वो फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स में आएगा साइफन के बाद, फिर फेरिंग्स से कहाँ जाता है, ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से हमारा इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, उसके बाद रेक्टम, रेक्टम से एनस, यही पूरा प्रोसीजर चलता है जो हम लोग अपने कॉर्पोरेटर्स में हम लोग स्टडी करते हैं, ह्यूमंस में भी तो हम वही स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वही सब पूरा साइकिल है जो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो साइफन्स में से कुछ इस टाइप से जा रही थी, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है लाइक ये। ठीक है, सॉरी, इसमें रेक्टम, टेस्टिस, ये यहाँ बहुत छोटे छोटे लेबल्स में दिखाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे डायग्राम्स के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास कहने की बात ये है कि हर्ड मानिया में जो एट्रियम प्रेजेंट होता है, ये एट्रियम इसमें क्या भरा रहेगा, पहले तो ये पूरी तरह पानी भरा रहेगा, जाहिर सी बात है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हर्ड मानिया, ये प्रेजेंट होते हैं आपके समुद्र में, तो सी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहेगी, इसमें प्रेजेंट रहती है हमेशा जो इंटरनल वाटर होता है वो हमेशा इसमें प्रेजेंट रहेगा। ये एट्रियल अपर्चर एट्रियल साइफन में खुलता है, एट्रियल साइफन के नीचे जो एक थोड़ी सी ग्रूव टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। क्लोएका में आपका गोनोडक्ट एंड रेक्टम दोनों ही आकर खुलते हैं, मतलब ये रेक्टम जो है ये कहाँ जाकर खुलेगी, इसकी डक्ट, इसकी ये डक्ट सीधे क्लोएका में जाकर ही खुलती है। ठीक है, जिसमें से बाद में फिर वो बाहर निकालते हैं। अगर आप लोगों को याद हो क्लास, मैंने भी जब डायग्राम बनाया था हर्ड मानिया का, ठीक है, ऐसे तो बनाया था, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि वाटर जो है वो जाता है ब्रैंकियल ओपनिंग, मतलब ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू, और जो बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो कहां से निकलेगा, आपके इस एट्रियल एट्रियल अपर्चर से ही तो निकलता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो भी किस फॉर्म में निकलेगा, ये नॉर्मली फॉर्म में निकल के स्क्वेट के फॉर्म में निकलता है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट अ सी स्क्वेट, है ना, इसलिए तो हम हर्ड मानिया को और किस नाम से जानते हैं, सी स्क्वेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है,
समझ में आया सभी को ये एट्रियम? भाई इसका सिर्फ और सिर्फ या क्लोएका तक का ही रीजन है जो आप लोग नॉर्मली देखेंगे इसमें, बाकी का जो रीजन है इट मीन अगर मैं इसको इस टाइप से काटूं, समझ रहे हैं, तब मुझे ये चीज देखने को मिलेगी। एट्रियम वाला पार्ट चाहिए मुझे, ठीक है, बाकी का यहाँ तक क्लोएका आएगा, उसके बाद का पूरा पार्ट कहाँ पर, यहाँ जो सैक प्रेजेंट था आपका ब्रैंकियल सैक, उसमें था ये पूरा पार्ट, बाकी के टेस्टिस ओवरी वगैरह वो सब चीज किसमें जाएंगी, आपके ब्रैंकियल सैक में जाएंगी, है ना। इसीलिए तो हमने इसको इस तरह से काटा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पर अलग टाइप की क्या प्रेजेंट रहती है, सिमेट्री। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा ये। हाँ भाई मुझे दिखाएं, मैम जरा चैट निकालें प्लीज, आई डोंट हैव टाइम प्लीज। ओके यस चलो ठीक है गुड। बस यहाँ तो बात हो गई हमारी नॉर्मली एट्रियम के बारे में, अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वैसे तो खैर आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताया जाएगा, थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिए डायग्राम्स के लिए। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगी हमारी डाइजेशन और आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो, ठीक है, आपने जाना होगा भाई क्या क्या चीज आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तो हर्ड मारिया में सिर्फ और सिर्फ टू ही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लिवर, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, लिवर, एंड सेकेंड इज पाइलोरिक ग्लैंड, ओके, एंड थर्ड इज मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म मीन वो आपका जो मतलब इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से उसमें काम करता है, ठीक है, किस तरह से वाटर करंट अंदर जाएगा उसके, फिर वहाँ पे प्रोडाइजेशन वगैरह होने के बाद किस तरह से वो एट्रियम चैम्बर में से बाहर निकलेगा, तो ये सब चीजें जो है ये मैकेनिज्म में जाएंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बेटा, मैकेनिज्म तो आप बहुत जल्दी समझ लेंगे, जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो आएगी एलिमेंट्री कैनाल समझने में, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में अपने आप में बहुत ह्यूज टॉपिक है, हर एक का छोटे छोटे डायग्राम, उन सभी के बारे में जानना कि किस तरह से फूड आगे जाता है वो सब चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसीलिए आप लोग मंडे में जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट मीटिंग में।